आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप उसे स्टीमर से स्टीम दिलाना चाहते हैं, वैसे आपको अगर बच्चा आपके घर में है तो स्टीम अगर आप उसको दिलाना चाहते हो तो या तो आप स्टीमर का यूज करें या फिर नेबुलाइजर का यूज करें, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आज हम सिखाने जा रहे हैं स्टीमर का यूज करना। गर्म पानी से बच्चों के साथ में थोड़ा रिस्क रहता है तो इसलिए हम आज स्टीमर का यूज करके दिखाएंगे। शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे मैं अपनी पहली वीडियो में इसके डिटेल में बता चुकी हूँ कि आपको इसको में मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होती है, तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आपको ये पानी जो है डालना है। पानी के अंदर ही आपको विक्स का जो कैप्सूल है वो मिला लेना है काट के। मैं शेयर कर दूंगी आपको, काट के इस तरीके से आपको इसके अंदर मिला देनी है। मिलाने के बाद में ये अच्छी तरीके से बंद कर देना है और इस तरीके से इसको लॉक कर देना है। करने के बाद में तीन चीजें आपको इसके साथ में मिलती है। पहला है ये नोज के लिए और स्पेशली जुकाम के लिए, जिनको जुकाम हो रहा हो उनके लिए, जुकाम और खांसी के लिए, जिसकी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप एडल्ट हैं तो आप इसका यूज करें। और ये है आपका फेस क्लींजिंग वगैरह जब आप यूज करते हैं तो उसके लिए, इसमें सिर्फ यहाँ पर लगाते हैं तो इससे स्टीम आती है तो वो जुकाम वगैरह में इतना ज्यादा आराम नहीं करेगी। तीसरा है इसका, तो बच्चों के लिए जो यूज किया जाता है वो मोस्टली इसी का यूज किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप बच्चों को ये यूज करा रहे हैं और इसके अंदर उनका फेस रख रहे हैं तो उनको बोलिए कि अपनी आंखों को बंद रखें, क्योंकि इसकी स्टीम जो है वो बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में जब निकलती है तो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमेशा इसके अंदर जब भी आप या बच्चे कोई भी यूज करें तो आपको आंखें बंद रखनी है। अगर बच्चे इसका यूज कर रहे हैं तो ऊपर से टॉवल मत ढकिएगा, क्योंकि ये बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है फिर इससे। टॉवल ना ढक के आपको ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। और मैंने इसको ऑन कर दिया है, इसके अंदर स्टीम जब निकलनी शुरू हो जाएगी तो इतने गैप में बच्चों को रखना है। उन्हें आपको बोलना है कि लंबी सांस, मुंह बंद करके लंबी सांस ले और फिर छोड़े सांस, तो उससे क्या होगा, जो स्टीम होगी आपकी वो नाक के अंदर से आपके अंदर तक पहुंचेगी बच्चों को, उनको ज्यादा जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो मैं करके दिखाती हूँ उसको। स्टीम निकलनी इसमें शुरू हो गई है, आई डोंट नो वीडियो में क्यों नहीं दिख रही है वो, बट स्टीम निकलनी इसमें शुरू हो गई है। और इस तरीके से फेस के ऊपर आपको रखना है। बच्चों को ज्यादा अंदर फेस मत करवाइएगा, इसमें उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, आंखें उनको बंद रखनी है। बहुत ज्यादा गर्म आपको ये तब नहीं करना है बच्चों के टाइम पे। और इसमें स्टीम अच्छी खासी आ चुकी है, काफी जल्दी ये गर्म हो जाता है तो इसमें स्टीम निकलने शुरू हो। लगभग 2 मिनट तक लेने के बाद में थोड़ा हटिएगा। फैन वगैरह बिल्कुल ऑफ रखना है, एसी में बंद आपको नहीं बैठना है। इसको स्टीम को जब आप ले 10 मिनट तक वो ले बच्चे, तो आपको उनके फेस को टॉवल से कवर करके अंदर उनको थोड़ी देर लिटा लेना है। फैन वगैरह बिल्कुल नहीं चलाना है, उनको काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा इसमें काफी जल्दी। तो इसमें काफी अच्छी स्टीम आ चुकी है, तो मैं अपनी स्टीम को यूज कर लेती हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।